नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo F19 Pro Plus 5G versus Realme 9 5G SE का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F19 Pro Plus 5G में 6.3 इंच जबकि 9 5G SE में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो F19 Pro Plus 5G में 2.89 इंच जबकि 9 5G SE में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो F19 Pro Plus 5G में 0.31 इंच जबकि 9 5G SE में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि F19 Pro Plus 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो F19 Pro Plus 5G में 173 ग्राम्स जबकि 9 5G SE में 199 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि F19 Pro Plus 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F19 Pro Plus 5G में Super AMOLED जबकि 9 5G SE में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F19 Pro Plus 5G में 6.43 इंचेस जबकि 9 5G SE में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F19 Pro Plus 5G में 1080x2400 और 9 5G SE में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F19 Pro Plus 5G में 84.94% जबकि 9 5G SE में 84.39% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F19 Pro Plus 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि 9 5G SE में 400 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F19 Pro Plus 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और 9 5G SE की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F19 Pro Plus 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 9 5G SE में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F19 Pro Plus 5G में Mali G57 MC3 जबकि 9 5G SE में Adreno 642L मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F19 Pro Plus 5G में MediaTek Dimensity 800UMT6853V और 9 5G SE में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है। बात करें RAM की तो F19 Pro Plus 5G में 8GB की RAM मिलती है, जबकि 9 5G SE में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो F19 Pro Plus 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 9 5G SE में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो F19 Pro Plus 5G में अप टू 256GB जबकि 9 5G SE में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी F19 Pro Plus 5G में 4310mAh जबकि 9 5G SE में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F19 Pro Plus 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 95G SE की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो F19 Pro Plus 5G में 6 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 9 5G SE की तो उसमें 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F19 Pro Plus 5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में F19 Pro Plus 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y75 5G है, दूसरा Vivo Y21T है, तीसरा Moto G71 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।